क्या है उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन सर आपके साथ बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत की कहानी, आप उससे तो आप वाकिफ ही होंगे। और आए दिन बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की जो कहानी है वो अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं, न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, टीवी में इसकी कहानी, इसकी खबर आए दिन आते रहते हैं। अब बिहार में जो बेड है, बिहार के जो हॉस्पिटल्स में बेड की कमी, सब जानते ही हैं कि बेड की इतनी कमी है कि मरीजों को ज़मीन पर लिटा कर उनका इलाज किया जाता है। और ऐसे में अगर ऐसा वीडियो आपके सामने आए जिसमें जिस बेड पर मरीज लिटाए जाते हैं, उस बेड पर कचरा धोआ जा रहा है और उस बेड पर कचरा रख करके फेंका जा रहा है, तो आप इसे और क्या कहिएगा। बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका जो लचर परिस्थिति है वो तो आप पहले इस वीडियो को देख करके समझिए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें बिहार के स्वास्थ्य की व्यवस्था की जो कुव्यवस्था है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल अस्पताल में बेड की कमी के कारण ज़मीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज करना बिहार के लिए बड़ा ही आम बात है। और ऐसे में अगर किसी अस्पताल में बेड को ही कचरा ढोने का साधन बना दिया जाए तो इसे आप अगर कुव्यवस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बिहार में ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर ज़िले से देखने को मिला है, जहाँ सदर अस्पताल के बेड पे कचरा ढोने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सदर अस्पताल में जनरल वार्ड के सामने मरीज के इलाज करने वाला चक्के वाला बेड को ठेला बनाकर मेडिकल वेस्टेज ढोया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और पूरे मामले के आदेश दिए गए। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने इस मामले के प्रकाश में आने के बाद इसे गलत माना है। उन्होंने कहा कि ये गलत है, जिसने भी ऐसा किया है उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले में पूरी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। इस दौरान हाल ही वो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बद इंतजामी को लेकर अस्पताल अधीक्षक को निलंबित कर दिए। और साथ ही अब देखने वाली बात ये है कि ये जो मामला है इस पर अब ये तेजस्वी यादव क्या कार्रवाई करेंगे, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो देखिए, पहले सुनिए जो मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के सर्जन है वो क्या कुछ कह रहे हैं ये मामला जब उनके प्रकाश में आया है। उसके बाद सर, बेड से कचरा ढोने का वीडियो सामने आया है, सदर अस्पताल लापरवाही किया है, उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उसको दंडित करेंगे। इतनी बड़ी लापरवाही लगती है सर, जहाँ एक तरफ बेड के अभाव में मरीजों का इलाज जमीन में हो रहा है, वहीं बेड से कचरा निकलना एकदम गलत बात है। जो चीज़ है उसके लिए उपयोग उसी का होना चाहिए। मैनेजर को बुला करके हम पूछते हैं, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उस पर कार्रवाई करें। बायोमेडिकल बेस्ट पर जला दिया गया है सर। वो भी नहीं, बायोमेडिकल की गाड़ी हमारे यहाँ आती है, गाड़ी पर जाएगा, उसको क्यों जलाया है, कौन जलाया है, जल देखते हैं। तो वीडियो में देखा आपने कि किस प्रकार एक बेड है जिसपे मरीजों को लिटा कर उनका इलाज किया जाता है, उस बेड को कचरा ढोने का ठेला बना दिया गया है। बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये कितनी लचर है, इसकी जो खबर है वो आए दिन अखबारों में आती रहती है, आए दिन हम आपके सामने लाया करते हैं। बिहार के हॉस्पिटल्स में बेड की कमी इतनी होती है कि मरीजों को ज़मीन पर लिटा कर उनका इलाज करवाया जाता है और कई मरीजों को तो बेड भी नहीं मिलता है। ऐसे में ऐसा वीडियो अगर सामने आए तो इसे हम जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल उठना तो लाजमी। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।